हरदा जिले के हंडिया थाना का आदिवासी समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। दरअसल छनेरा निवासी राधेश्याम ठाकुर ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी मनीषा को उनकी नानी और मामा ने ब्राह्मण समाज के युवक को बेच दिया है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था, जहां लड़की का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से खातेगांव निवासी अजय से मंदिर में शादी की, लेकिन उसके पिता इस शादी को मानने को तैयार नहीं है। इधर नेमावर जा रहे सैकड़ों आदिवासियों को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने थाने का घेराव कर दिया, जिसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। कोरकू समाज का मामला है कि 6 महीने पहले ये लड़की समाज के लड़के के साथ में चली गई थी। उसका 1-2 महीने मतलब 18 साल से कम उम्र थी, 1-2 महीने। तो 1-2 महीने के बाद में इनका लड़का जेल से आ गया, सब कुछ हो, और इनने क्या दबिश देकर लड़की को लगभग 1.5 लाख रुपए में बेचा सर। और ऐसी अगर आदिवासी की लड़की अगर बिकती रहेगी तो अभी मैं बताऊँ, देवास जिले की आदिवासी समाज की कम से कम 7,000 लड़की मतलब बिक चुकी है। खंडवा जिले की 3-4 हज़ार लड़की, हरदा प्रॉपर जिले की करीबन 800 लड़की बिक चुकी है। अगर ऐसी बिकती रहेंगी, माँ बाप तो दारू पीते हैं, परवाह नहीं करते। 18 साल की लड़की मजदूरी ढाई घंटे करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है यार बेच दो, ये काम चलता है। पूरे मध्य प्रदेश में ये बात चल रही, पूरे मध्य प्रदेश में अगर ऐसा हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी पूरा विरोध करेगा इस समाज को। अन्य समाज में क्यों लड़की ले जा रहे भाई हम, जब हम ब्राह्मण को पैर पूछते हैं और ब्राह्मण ढीमर और कोरकू की लड़की ले जा रहा है समाज के लोग।